अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ले आई बिट्टू बैग। अल्लाह हाफिज। जा रही हूँ घर छोड़ के। क्यों? जा रही। अरे आ जाओ तो भैया। सुनो मेरी मालकिन, इधर तो आओ। अरे मालकिन, सर्दी में रोज बाहर नहीं निकलोगे और तुम रोज रात में मैच खेलने जाते हो। कल सर्दी करके आ गए। सुनो तुमने भी तो कहा था बेटी खाला के आने जाओ, इधर आओ, इधर तो आओ। कल नहीं गई ना? कल क्योंकि घर में कोई नहीं था अम्मा के लिए। आज तुमने नहीं जाओगी? जल्दी बता, जल्दी बता, नहीं जाओगी? बैग लेके आई अपने लेंस निकालने के लिए और कह रही घर जा रही हूँ। भाभी मत जाओ घर छोड़ के। ये क्या लाते? मैं तकिया लेके आया। ये मेरी मुंबई की तकिया। अरे वाह भाई, मुंबई की तकिया। जल्दी रखो मुंबई की तकिया, जल्दी लाओ। ड्रायर निकाल दो मेरे। ऊपर ऊपर रख, लाओ लाओ लाओ। बड़ा मुंबई की चीज तुम्हें बड़ा प्यार है। ये आपका ड्रायर, मेरा बैग, ये मेरे लेंसेस की दर है। वालेकुम, सब आगे जहाँ में आपका स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं कल टाटा, तो फुफ्फी की लड़की जो शादी है उसके लिए कपड़े अपने खरीदने हैं सबके लिए, तो सब हम लेने आ गए हैं। अम्मी और सब अंदर है। कौन सा वाला लेना, जल्दी बताओ? ये वाला हो गई सब। मम्मी ने दिला दिया तुम्हें? सोचने के आ चुके हैं फ्रेंड्स, अभी जा रहे हैं अम्मा के लिए चूड़ियां लेने। पापा के, चाचा के, खालू 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 भाई चले चले। तो आ गए फ्रेंड्स बैंगल्स की शॉप, जल्दी से लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ज्यादा भी नहीं क्योंकि अम्मा की है। ये वाला अम्मा वेडिंग पे पहनेंगी। ये पता है कहाँ का है? भगवान का है। थोड़ा सा हल्का। रात में करेंगे पैकिंग, तो ये बैंगल्स सारी जमाएंगे। हाँ, क्या लेके आई हो? रिंग। इनाम में निकली है? नहीं, लेकर आए। क्यों लेके आई हो? सेल्फी आपकी अच्छी लगती है ना, आपके हाथ में रिंग बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। अरे पूरा नाम सही पता चला है। दरवाजा ये लोग खुला छोड़ देते हैं, चाहे कोई भी आ जाए। बंद कर देते हैं भैया। बेटी खालू ऊपर है, सब कुछ खुला छोड़ के। मुझे पता था ना जा नहीं पाऊंगी, आओगी सही बात है। में समझ। और अभी जो हम सीढ़ी से आ रहे थे तब भी तो मैं पता था। अरे तुमने वो मेन गेट वहाँ के हॉल के खोले, हाँ। समझ गई, तुम आ गई हो। मुझे पता चला। बहुत तेज कान है भैया। महल कहाँ है? चली गई उसका ट्यूशन है ना। चाय पियेंगे आज हम लोग, जैसे होटलों में मिलती है चाय। मेरा एनिवर्सरी के टाइम का मेकअप कहाँ है? ये जो तुम पूछ रही थी ना कि मेरा बैग किधर है, तो मैंने कहा मैंने देखा नहीं। मैं मुंबई जाके ढूंढ रही थी, सब यहाँ रखा है। तो मैंने कहा वही कहीं होगा तो घर में होगा। अब ले चलना जब जाना। ठीक है। ये कब का टूटा हुआ बैग? ये तुमने मुझे एक साल पहले शायद दिलाया था, मुंबई में दिलाया था। तो ये कैसे टूट गया? टूट गया, इसकी बद्दी निकल गई, तो मैंने इसको रख दिया। तो अब इसे क्या करोगी? अब इसे पता नहीं, जुड़ेगा तो जुड़ेगा, नहीं फिर देखेंगे। ये हटा दो, दिला दो, हटा देंगे फिर। हाँ, टूट गया, जल्दी टूट गया। लेकिन ये बात तुमने कुछ भारी डाला होगा इसमें। हाँ, भारी तो रहता है, जब वही जाते हैं सब पूरा ऊपर तक भर लेते हैं। फ्रेंड्स बेचारे बैग इतने भारी सामान के लिए थोड़ी ना बनाए जाते हैं, उसमें जरूरत की कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें डाली जाती हैं। अब भर देते हैं लोग अपना पूरा सामान उसमें, खाने का भी, लगाने का भी, नहाने का भी। तो फ्रेंड्स बस अभी हम निकलते हैं, नानी से भी मिल लेते हैं, पुप्पी से भी मिल लेते हैं, मतलब अम्मा से मिल लेते हैं, क्योंकि फिर कल हम निकलेंगे शादी के लिए। और कल बेटी खाला और मैं जा रहे हैं कानपुर। बेटी खाला का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट रहता है, तो बेटी खाला रुकइए ऑलरेडी जाने वाले थे, तो मैंने कहा मुझे भी कानपुर में काम है, तो मैं भी साथ में सुबह जल्दी चलूंगी, इनका दिखा भी दूंगी अस्पताल में, डॉक्टर से भी बात कर लूंगी, और उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे ट्रेन से वहाँ, और बेटी खाला लोग वापस आ जाएंगे। बैठो, क्या तुम्हें भी वॉमिट होती है? अच्छे बच्चे को वॉमिट होती है। यहाँ पे हम लोग की मोमोज पार्टी चल रही है। सब लोग दिखाओ अपने अपने, सब लोग खा रहे हैं, चटनी भी दिखाओ। चलो फ्रेंड्स ये मेरे हैं। अम्मा तुम भी खाओ। खा लेंगे अम्मा ही का। वो अपने पाव भाजी खा। पाव भाजी खाएंगे अम्मा। चलो अम्मा अब मैं आपसे मिलूंगी 7-8 दिन बाद, ठीक है? फोन पे बात करूंगी। अल्लाह हाफिज है। चलो कल कानपुर से जो मंगाना हो बता देना। चलो अल्लाह हाफिज, हम आपसे मिलेंगे अब आके। अच्छा ठीक है। अम्मा से फ्रेंड्स हम लोगों ने मिल लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं पुप्पी के घर, तो बस चॉकलेट ले लेते हैं बच्चों के लिए, फिर चलते हैं। ले लिया? कुछ घर में गाड़ी नहीं मिल पाई। अच्छा, रोड में हम लोग फ्रेंड्स आ चुके हैं हम लोग पुप्पी के घर। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह,
वालेकुम बेटू। आप नहीं थी उस वक्त घर पे? अरे बहुत बड़ी मौसम गलती हुई गई। कोई बात नहीं। हाँ, इनने कहा जाइए, निशात बोल रही है कि नहीं जाएगी आज। हाँ, वो 4 तारीख को जाएगी। क्या नाम है इसका? मिट्टू। मिट्टू बुलाओ उसे। मिट्टू कर जा। अरिबा खाना खाएंगे, आ जाओ आ जाओ। खा लो बेटी, खा लो तुम भी थोड़ा। तुम नहीं खा रही? खाओगे? मीठा मन आया लेकिन थोड़ा तो खा ले। ये क्या रायता है? चाहिए रायता? रायता चटनी। चलो अल्लाह हाफिज़। बेटी बाय नायरा। बाय। वालेकुम अस्सलाम। चल पुप्पी के ले लो साथ में। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ऐसी मोहब्बत रहे। इन दोनों की बहुत बनती है, दोनों सहेली बन गई है। बाय अरान बाबू। बाय अरिबा। बाय नायरा। चलो बाय अप्पी। ठीक है, बाय भाभी। आप बाय करो। बाय। अल्लाह हाफिज़ भाई। चलो अभी चलते। फ्रेंड्स, बेटी काले ने आज बनाई है मछली जल की रानी है, तो अम्मा को निकाल देते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, इसको हल्का सा फीवर जैसा लग रहा है। सनी इसको मेडिसिन दिलाने जा रहे हैं, तो कैसी दवा चाहिए? 0 साइज की। दोनों को अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो, फिर मिलेंगे। पैकिंग स्टार्ट। पैकिंग स्टार्ट, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं सुबह निकल जाऊंगी बेटी काले के साथ, तो सब करके जा रही हूँ। और बैग भी आप कार में रखवा दोगे? तुम्हारी कार में रखवा दूंगा बैग में। तुम्हारी हो गई? इसकी और इन लोगों के पास टाइम है दिन भर का। हाँ। तो ये लोग अपना अच्छे से करिए। लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कल मैं जाऊंगा सुबह शादी में, उसके बाद आऊंगा सीधा कानपुर निकल जाऊंगा। अच्छे से हो गए? हो गए? अच्छे से बैठ कर रहा हूँ बैठ के आपको। हो गए सारे? हाँ, बॉक्सेस में अच्छे लगते हैं ना देने वाले कपड़े। ये पापा की जैकेट कहाँ है? दो वाला। आपकी? हाँ रख दो, टैग लगा है। लगा है? ये तो पहन चुके हैं। इसमें गरम कपड़े और गिफ्ट्स रख रहे हैं। ठीक है, ओके। लेके चलो, नहीं पहनो फिर मैं पहन लूंगा। ऐसा नहीं पहन लूंगा, ये दूसरा फैसला है ये भी। वापस कर दे तो। लेकिन चलो कोई नहीं, पहन ले। देखिए अम्मा का है। कितने अच्छे से बेचारे चूड़ियां जमाते हुए। चूड़ी नहीं है, मेरा दिल है। सऊदी में डाल दिया अंडर ब्लैंकेट, उसके बाद फिर डाल दिया सब टूटने वाला सामान, तो सेफ हो जाता था वो। ये पापा की जैकेट का गलत इस्तेमाल करते हुए। पापा भी ब्लॉग देखते देख के इतने सारे फंक्शन, फिर इतने सारे कपड़े, फिर इतने सारे कपड़ों की मैचिंग की चूड़ी तो ज्यादा ही होती है। इसलिए लड़कियों को सब मसला बहुत बुरा होता है। लड़कों को एक जींस डाल ली, एक जैकेट पहन, जींस कम से कम हफ्ते भर पहन ली, शर्ट बदल लिए। और आज एक ही दिन में ये लाइट कलर का गंदा कराया है, दिखाओ ये। पैकिंग के बाद फ्रेंड्स, मैंने सुबह की तैयारी कर ली है, सुबह का आउटफिट भी निकाल लिया है। यहाँ पे बैग रेडी है, शूज रेडी है, बस हो जाती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे सुबह उठ के, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। अल्लाह हाफिज़। द नेक्स्ट मॉर्निंग। 8:36 हो गया है और मैं निकल रही हूँ, बेटी खाला को पिक करती हूँ। आ जाना। हाँ आ जाऊंगा, ये कौन सी बात हुई? आ जाना, आ जाओ। हम लोग कानपुर पहुँच चुके हैं, हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं रेजेंसी। चलिए अभी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बेटी खाला को दिखा दिया, चलते हैं दवाइयाँ ले लेते हैं। नारियल पानी दिख गया, तो हम लोग नारियल पानी पी लेते हैं, बहुत प्यास लग रही है। यहाँ से वो लोग दवा ले लेती है। 3 बजने वाला है, फाइनली डॉक्टर जो दूसरे वाले वो मिले हैं बेटी खाला को। एक बार ये डॉक्टर का सारा काम खत्म हो जाए, फिर देखते हैं कि क्या क्या काम निपटाने हैं यार। बहुत ज्यादा गर्मी है, कोई नहीं कहेगा कि ये जनवरी का महीना नहीं, आज तो फेब लग गया, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन बिल्कुल भी ठंड का महीना नहीं लग रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि सभा चली गई है कानपुर और मुझे जाना है शादी में, हमको आज निकलना भी है। मैं फटाफट होता हूँ रेडी, नहाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, निकलता हूँ शादी में। चलो भाई फिर चलते हैं फटाफट। तो फ्रेंड बारात में गया था लेकिन वहाँ पे बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैं घर में आ गया, क्योंकि मुझे 4 बजे निकलना है। तो अभी मैं खा रहा हूँ अपना खाना, ये मेरा खाना। सामान के हिसाब से हमारी गाड़ी पड़ गई छोटी, अब देखते हैं सामान कैसे आएगा। इसे दे रहे हैं सबके लिए। माँ जी चलिए, चलो फ्रेंड बिस्मिल्लाह करते हैं, निकलते हैं, सभा को भी लेते हैं, माँ को भी इंतजार कर रही है वहाँ पे। टाटा रुखसाना माँ जी, आएंगे जल्दी इंशाल्लाह। सामान ले लूँ फटाफट, भूली हूँ, ये भूल गया था मैं ये। आपने देखा फ्रेंड्स, ये सारी तैयारियां जो है वो घर पे चल रही थी, सनी लोग निकल गए हैं और हम आ गए हैं अभी यहाँ पे जेड स्क्वायर मॉल, जो कि कानपुर में है। तो डॉक्टर यहाँ से फ्री हो चुके हैं, अभी हम आ गए हैं जेड स्क्वायर मॉल और अब यहाँ पे करेंगे टाइम पास, उसके बाद फिर सनी लोग आएंगे और फिर हम निकलेंगे। कुछ ले लो बेटी खाला। कुछ नहीं ले रहा, खाना खाना है। अच्छा हाँ, लंच टाइम भी हो। रुकैया का मेकअप ट्रायल आज ही आप डालो शायद। हाँ, आपको कोई दिक्कत ना, मुझे क्यों दिक्कत हो गया, बिल्कुल डालो।
था फॉरएवर 52, तो हमें आज यहाँ पे स्टॉल दिखा तो मैंने सोचा चलो हम यहाँ का मेकअप ट्राई करते हैं। तो इन्होंने इतने अच्छे से हम लोग को रेडी भी कर दिया है, साथ साथ हम लोग ने प्रोडक्ट भी ले लिए। ये आगे वाला तुम्हारा है, काजल भी लिया है। फ्रेंड्स देखिए कौन मिलने आए हैं, नूर आई है। मैं हिजाब्स नहीं ले पाई थी तो फिर मैंने नूर को कांटेक्ट किया, नूर ने सारे हिजाब्स नूर के पास थे। थैंक यू आपको मौका देने के लिए कि आप मुझसे हिजाब ली। नहीं नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपका जो ड्रेस है ना उससे मैच कर रहा है ना। हाँ। अरे क्यों, सनी बैग बहुत पसंद है। अच्छा, तो मैंने सोनी का फ्री। अरे सो ये हमारा हिजाब का हिजाब है आपके लिए। कालू भूख लग रही थी। हाँ, नूर का क्या फेवरेट है? कुछ नहीं, चाय। चाय थोड़ा सा थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हम कहाँ जा रहे हैं नूर? नवीन मार्केट। नवीन मार्केट चलो। एक्चुअली बहुत फ्रेंड्स आपको पता है कि नूर की जर्नी कैसी थी, उसने कितनी मुश्किल से मेहनत करके अपना इंस्टाग्राम बनाया, बिजनेस को सस्टेन किया और उसके बाद माशाल्लाह वो 30K उसके फॉलोअर्स हो गए। कांग्रेचुलेशंस। नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं, उसकी मेहनत की वजह से। तो इसीलिए आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए सब आप भी मौजूद है, जो मेरी इंस्पिरेशन थी और फिर बहुत बड़ा इनका रोल भी है 30K तक पहुँचाने में। अभी और ज्यादा 100K करना है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। हम सबको जल्दी से नूर के 100K कराने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे भी सपोर्ट करिएगा। अच्छा यूट्यूब पे, बाय, फिर मिलेंगे। हाँ तो हम निकलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग को लेट हो रहा है। बोले लो गंदा नहीं होगा। अम्मा के लिए भेजना है हमको टोस्ट, तो हम कानपुर की गलियों में टोस्ट ढूंढते हुए घूम रहे हैं। यहाँ पे भी है देखो, यही ले लें। हम आ गए कानपुर की शिवालय मार्केट और यहाँ से ले लेते हैं अम्मा के लिए चूड़ी। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। अम्मा के लिए ये ले लिए। अच्छा, ये लिए मैंने। हो गए सारे काम फ्रेंड्स, अब चलते हैं स्टेशन की तरफ। इतनी देर से हम लोग ने वेट कर लिया फ्रेंड्स, सनी लोग बस आने ही वाले हैं। अपना सामान सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हमारे चूड़ी कंगन दे दो। वही देख रहे हैं ना। हाँ ये हमारे, लेकिन रख के कहाँ ले जाए? पर्स में डालो। सब रख लिया भैया। अम्मा के तोस, अम्मा के कंगन, दवा, फाइल, बेटी का बैग, बस आ गई। हाँ। जल्दी उधर गया, बहुत ट्रैफिक मिला रास्ते में भाई, बहुत ट्रैफिक था। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी लेट हो गया, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, बाय बाय। अरे सूटकेस तो लो, मिस किया मुझे बहुत बहुत ज्यादा। मैंने नहीं किया। क्यों? बहुत बिजी दिन था, बहुत थके, बहुत लोगों से मिले। अकेले अकेले कान में घूम रहा है, बहुत लोग मिले फिर से। ये हमारी फैमिली है। आपने देखा नहीं कि मैंने मेकअप कराया था? मेरा मुंह नहीं चमक रहा, दिख रहा है या नहीं? कहाँ से करवा के आई? खरीदर को कराया। सामान वामान सेट करना, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इस वक्त हमें कानपुर सेंट्रल रेलवे, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, क्या बोल रही हूँ, इस वक्त हमें कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इस वक्त हमें कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने सीना ठक्की से मिल लिया है। फाइनली हमने इस बार अपने घर में जा पाए हमेशा की तरह, लेकिन जरूर जाएंगे, लेकिन जा रहे हैं ज़्यादा हाई के लोग। फाइनली हमारी ट्रेन आ रही है तो चलते हैं। चलो 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 चलो। प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है फ्रेंड्स, तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे आए। कौन सा नंबर है? तो आ चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग ट्रेन में। अच्छी साफ सुथरा ट्रेन है। अम्मा लोग बैठ चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग ट्रेन में। ट्रेन लेट है 1-2 घंटा, लेकिन कोई बात नहीं है, ट्रेन काफी अच्छी लग रही है तो माफ किया, माफ किया। और अभी यहाँ पे जिनकी जगह थी वो भी नहीं आए हैं। हाँ। पता नहीं अल्लाह ने अच्छा ही कोई अच्छे वजह से ना आए हो। तो अभी देखते हैं यहाँ इस ट्रेन में क्या खाने को मिलता है, क्या मिलता है, जो भी होगा आपको बताएंगे। पराठे नहीं खा रहे? सोने की तैयारी फ्रेंड्स, तकिया लेके आए हो? ओए मेरी मुंबई की तकिया। फ्रेंड्स अभी हम लोग सोने लगे हैं, चलो आपसे सुबह मिलते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है। चांडिल जंक्शन कब आएगा टाटा?
यहाँ पे, तो आप बताओ मोबाइल में देख के। फैसल ने बोला है कि अगर चांडिल निकल जाए समझ लेना टाटा आ रहे हो। अच्छा चांडिल तो रेडी हो जाओ जल्दी से उतरो। रेडी है, एक्साइटेड हो? फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट का टाइम चला गया, अमरूद खा रही हूँ मैं। अम्मा ये झोला लेके आई थी घर से। जैसे हमारे मुंबई में बांद्रा जंक्शन, ऐसे यहाँ पे कांद्रा जंक्शन। आंद्रा फ्रेंड्स जो टाटा है वो आने वाला है, बस हम लोग अभी उतरने के लिए रेडी हो रहे हैं। पहुँच गए फ्रेंड्स हम लोग टाटा नगर। देखा है ना? ये टाटा के कुछ लोग हमसे मिलने आए थे, बहुत अच्छा लगा। ये तो एकदम सरप्राइज था, उन्होंने ट्रैक किया और फिर हमें ढूंढा, बहुत अच्छा लगा हमें सबसे मिलकर। अस्सलाम वालेकुम, आपको दो पुली है तो ये कैसा थी? इसमें कौन बैठेगा? इसमें हम लोग बैठेंगे। अलग गर्मी है यार, वहाँ तो बहुत सर्दी थी यार। क्यों? कल बारिश हो रही थी। तो फाइनली हम लोग टाटा पहुँच गए, चलते हैं घर, सबसे मिलते हैं फटाफट चल। अब इन लोग थोड़ी देर मेरे हवाले रहेंगे। अब कोई ब्लॉग नहीं, अब खाली इंजॉयमेंट। अब ये था हमारा ब्लॉग मोहदास यहाँ तक आने का, और अब आएगा नया ब्लॉग। तो बस अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ऐसे ही बहुत सारा प्यार दें। और आगे आने वाले शादी के बहुत सारे ब्लॉग, तो बने रहे हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।